तो इस वीडियो में हम लिमिटेशंस ऑफ यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग करेंगे। कई बार ये टॉपिक आ जाता है एग्जाम में, लिमिटेशन बताओ भाई यूलर थ्योरी की। हमने पहले यूलर थ्योरी पढ़ चुके हैं अच्छे से, पी इज टू पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर, ठीक है। बात इससे कंसर्न जो बातें थी मैंने पिछली वीडियो में सारी बताई हैं आपको अच्छे से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन एक ही लिमिटेशन है इसकी यार, वो क्या है उन्होंने, हमने पहले कई बार इस टॉपिक को कवर किया है। ये लिमिटेशन इसकी क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए अप्लीकेबल है, बस शॉर्ट कॉलम के लिए या इंटरमीडिएट कॉलम के लिए इसको अप्लाई नहीं करना हमने, ठीक है। बात ये वाली बात मैंने पहले बताई थी, यहाँ पे भी वही कहता है। व्हाइल ड्राइविंग द एक्सप्रेशन ऑफ बकलिंग लोड फॉर अ स्ट्रट और अ कॉलम वी हैव अज्यूम दैट द स्ट्रट इज लॉन्ग एंड इट फेल्स ओनली बाय बकलिंग, ठीक है। लॉन्ग कॉलम है, इन अदर वर्ड्स फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर शॉर्ट और मीडियम साइज कॉलम, ठीक है। बात ये तो ये वाली बात थोड़ी बतानी है आपने। इसका एक थोड़ा सा डेरिवेशन भी है, मुझे न्यूमेरिकल में एक वैल्यू चाहिए फॉर्मूले की, वो मैं देखेंगे यहाँ पे हम। यूलर बकलिंग लोड आपको पता ही है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, पी ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा मुझे आई के बारे में पता है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई की वैल्यू भी मुझे पता है, ए इंटू के स्क्वायर होती है। ए यहाँ पे एरिया है, के यहाँ पे मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है। बात इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो एक बार, तो पी ई क्या आ गया यहाँ से, पाई स्क्वायर ई ए इंटू के का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इतनी बात क्लियर है। अच्छा अगर मुझे इसको नीचे लेके जाना पड़े तो पी ई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई ए एल अपॉन के हो जाएगा यार, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, देखना ध्यान से एक बार, ठीक है। बात ये के जो है नी एल के नीचे जाएगा और दोनों का स्क्वायर तो मैंने होल स्क्वायर इकट्ठा कर सकता हूँ मैं, इसको दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया है, देखिए ध्यान से एक बार, यहाँ पे आ गया ये, तो ए यहाँ पे है, ए मल्टीप्लाई हो रहा ना यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो पी ई अपॉन ए क्या हो गया यहाँ से हमारा, पी ई अपॉन ए क्या हो गया यहाँ से, पाई स्क्वायर ई अपॉन एल अपॉन के का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा पी ई ए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एल अपॉन के क्या यहाँ पे स्लैंडरनेस रेशियो है, ठीक है। दिस शोज दैट यूलर फॉर्मूला यूलर बकलिंग लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्लैंडरनेस रेशियो, जो यूलर बकलिंग लोड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर ऑफ द स्लैंडरनेस रेशियो, मतलब स्लैंडरनेस रेशियो बढ़ेगी तो बकलिंग लोड घटेगा, ये घटेगी तो ये बढ़ेगा, स्क्वायर में बल्कि, ठीक है। बात तो वो कह रहा है लेट सिग्मा सी, पढ़ लें थोड़ी बातें जो मैंने बताई वही सारी बातें लिखी हुई हैं। सिग्मा सी इज द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सिग्मा सी के मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मैं इतनी स्ट्रेंथ कभी इसको नहीं देनी हमने, तो सिग्मा सी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी हमेशा, ठीक है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी ई अपॉन ए, सिग्मा सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी ई अपॉन ए, मतलब पी ई अपॉन ए जो है हमारा यहाँ पे जो आया हुआ है ये पी ई अपॉन ए, पी ई अपॉन ए ऑलवेज लेस देन सिग्मा सी, सिग्मा सी के यहाँ पे अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारी, सिग्मा सी इज द मैक्सिम अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो फॉर कॉलम टू फेल बाय बकलिंग तो इसकी वैल्यू में जैसे ज़्यादा होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है पी ई अपॉन ए क्या है जरा, तो पाई स्क्वायर इसके बदले वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं ये वाली, ठीक है, पाई स्क्वायर ई अपॉन एल अपॉन के का होल स्क्वायर, ये पी ई अपॉन ए की पूरी पूरी वैल्यू है, ये इस पूरी की वैल्यू है, ये इज ग्रेटर लेस देन सिग्मा सी, अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ तो ये वाली बड़ी है मतलब, ठीक है, ठीक है। बात यहाँ से या तो आप पाई स्क्वायर ई सिग्मा सी नीचे ले जाओ और ये ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी इज ऑलवेज लेस देन एल अपॉन के का होल स्क्वायर, ये मतलब बड़ा है छोटा है, मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, जैसे बुक लिख रही है एल अपॉन के का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये साइन ग्रेटर देन का होता है भाई, ये लेस देन लेस देन पता है बात, पाई स्क्वायर ई ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपॉन सिग्मा सी, ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड इससे कट जाएगा, तो एल अपॉन के इज ऑलवेज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर वाला कट गया वाला गया ना अंडर रूट ऑफ ई अपॉन सिग्मा सी, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये फॉर्मूला मुझे न्यूमेरिकल में जब मैं जरूर पढ़ूंगा तो न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू मैं लूंगा आपसे, बाकी कुछ नहीं करना हमने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंकाइन फार्मूला, ये डेरिवेशन नहीं है इसका भाई, लेकिन हमने बता दिया आपको जो यूलर फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए बकलिंग लोड पे, लॉन्ग कॉलम जो है वो बकलिंग लोड से फेल करेंगे यूलर फार्मूला अकॉर्डिंग, और जो शॉर्ट कॉलम है उसमें मैंने क्रशिंग लोड बताया था आपको, तो वहाँ क्रशिंग स्ट्रेस आई थी हमारी सिग्मा सी आई थी, जैसे वो कह रहे हैं वी वेरी शॉर्ट रैंकाइन फॉलो पढ़ेंगे, वेरी शॉर्ट कॉलम्स
व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड वेरी शॉर्ट कॉलम छोटे कॉलम व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड फेल बाय क्रशिंग एंड क्रशिंग लोड इज गिवन बाय फॉर्मूला मिल गया मेरे को PC इज इक्वल सिग्मा इनटू ए ये तो फॉर्मूला हो गया क्रशिंग लोड का शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट कॉलम के लिए PE पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर ये फॉर्मूला हो गया यूलर बकलिंग लोड का लॉन्ग कॉलम के लिए लेकिन इंटरमीडिएट कॉलम के लिए क्या फॉर्मूला हुआ वो फॉर्मूला रैंकाइन साहब ने दिया एक साइंटिस्ट है रैंकाइन उन्होंने बोला P1 अपॉन PR ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे यार 1 अपॉन PR इज इक्वल टू 1 अपॉन PC प्लस 1 अपॉन PE वेयर PR इज द रैंकाइन बकलिंग लोड ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लीकेबल है भाई दोनों के लिए अप्लीकेबल है इंटरमीडिएट कॉलम के लिए अप्लीकेबल है ठीक है और इसका एक फॉर्मूला और भी है यहाँ लिखा हुआ है इसका डेरिवेशन नहीं करना आपने सिलेबस में नहीं है भाई जस्ट आपने फॉर्मूला याद करना है PR इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए अपॉन वन प्लस ए एल अपॉन के का होल स्क्वायर सिग्मा सी यहाँ पे वही है क्रशिंग स्ट्रेस है हमारी ए एरिया आ गया कैपिटल ए एल और के मैंने पता है स्मॉल ए क्या है यहाँ पे स्मॉल ए एक्चुअल में एक कॉन्स्टेंट है जिसे रैंकाइन कॉन्स्टेंट बोला गया है इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में क्लियर गिवन होगी कह रहा है द वैल्यू ऑफ रैंकाइन कॉन्स्टेंट आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड द वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल मेरी बात सुनो यहाँ पे देखो अगर वैसे देगा आपको मैं कहूँगा फिर न्यूमेरिकल क्लियर देगा ना दे अगर कास्ट एंड मटेरियल है तो ए की वैल्यू 1/1600 लेनी है हमने 1/1600 अगर रॉट आयरन है 1/9000 लेनी है एल्यूमिनियम है तो 1/5000 लेनी है नॉर्मली हम कास्ट आयरन या रॉट आयरन में से कुछ ले लेते हैं तो नॉर्मली वैल्यू 1/1600 मिल जाएगी आपको अच्छे से ठीक है बात क्लियर अच्छे से तो नेक्स्ट इसमें वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे ठीक है।